जब आपका कोई एक पेपर हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप जो भी पेपर दोगे उस कॉन्फिडेंस के साथ आपके आने वाले हर पेपर आपका क्लियर होगा। कोई भी एस्पिरेंट हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, अगर वो कंसिस्टेंट है ना अपने तैयारी में, चाहे वो भले उस स्टूडेंट की कैपेसिटी औकात नहीं है मेंस की तैयारी करने की, उसने उस लेवल का नहीं पढ़ रखा है, लेकिन अगर उसका प्री निकल जाता है ना, तो मेंस के लिए वो जान लगा देता है। अंजलि कहती है, सर आई हैव कंप्लीटेड परसेंटेज क्लास, सर लविंग योर कंसेप्ट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स वाई ग्रुप, प्लीज गिव मी सम टिप्स सर। टिप्स यही हैं कि बस मन लगाकर पढ़े, अपने अंदर के जो लेजीनेस को है उसको दूर करिए, ठीक है। कोई भी चीज़ बहुत मुश्किल नहीं होती। अभी जिस स्टूडेंट से मैंने आपको बात करा, इनको जहां तक मैं जानता हूं, अगर आज भी ये मॉक टेस्ट देती हैं, चाहे जीडी हो गया, एमटीसी हो गया, तो इनके स्कोर काफ़ी अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं किस्मत फिक्स था कि बिहार पुलिस में होना है, तो इनका ये सिलेक्शन हुआ, ठीक है। एक चीज़ हमेशा मैंने अपने लाइफ में नोटिस की है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी एस्पिरेंट हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, अगर वो कंसिस्टेंट है ना अपने तैयारी में, चाहे वो एक लड़का है चाहे वो एक लड़की है, अगर वो लगातार तैयारी में अपना जुड़ा हुआ है, ना आए देखता है ना बाएं देखता है, कहीं नहीं देखता, बस अपने तैयारी पे फोकस रखता है, अपने कंसेप्ट को बनाता है डे बाई डे, तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसके पास नौकरियों की बौछार हो जाती है। और आप लोगों को एक और बात बता दें कि जब आपका कोई एक पेपर हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप जो भी पेपर दोगे उस कॉन्फिडेंस के साथ आपके आने वाले हर पेपर आपका क्लियर होगा। ये मेरा पर्सनल आपको जो है सजेशन, पर्सनल गारंटी है, ठीक है। जैसे आपका एक पेपर निकलेगा ना, उसके बाद आपके पास नौकरियों की बहुत चार हो जाएगी। सीएचएसएल हुआ तो पता चलेगा पीछे से एमटीएस भी हो गया, सीजल भी हो गया। क्यों हुआ ऐसा? एक चीज़ क्या होती है, एक होती है मेहनत जो आप कर रहे हैं तो जिसका रिजल्ट दिख रहा है, और दूसरा क्या होता है, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जैसे आप पेपर देना शुरू करते हैं, उसके बाद आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, और उसके बाद ऑटोमेटिक पेपर में जो नर्वसनेस होती है, जो डर होता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। जब तक आपका पेपर नहीं निकला होता, तो आपके दिमाग में 50 प्रेशर्स होते हैं। पेपर देते वक्त, मॉक टेस्ट देते वक्त ये सोचते रहते हैं, अरे पड़ोसी क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, नहीं हुआ तो क्या, 2 साल हो गए तैयारी करते हुए। लेकिन कोई एक पेपर आपका निकल जाए, फिर उसके बाद आपका देखिए आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि सीजीएल में किसी स्टूडेंट का प्री निकल जाए और वो मेंस के लिए तैयारी ही ना करे, ऐसा बैठा रहे, हाँ हाँ ठीक है, हो गया, प्री देखेंगे? नहीं भाई, भले उस स्टूडेंट की कैपेसिटी औकात नहीं है मेंस की तैयारी करने की, उसने उस लेवल का नहीं पढ़ रखा है, लेकिन अगर उसका प्री निकल जाता है ना, तो मेंस के लिए वो जान लगा देता है। क्यों लगाता है? एक आत्मविश्वास मिल जाता है। जैसे आप यूँ समझ लीजिए कि आपके, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपका बॉस आपको थोड़ा सा आपके काम को खुश के क्या करता है, इंसेंटिव दे देता है, बोनस दे देता है, तो क्या अगले दिन से आप काम करना कम कर देते हैं? क्या अगले दिन से आप ड्यूटी पर नहीं जाते हैं? नहीं, आपकी क्षमता और बढ़ जाती है, आप और दोगुने के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। तो यही बातें हमारे जीवन में भी लागू होती हैं, ठीक है, यही बातें हमारी जीवन में भी लागू होती हैं। आप एक बार किसी भी परीक्षा की ढंग से तैयारी करके देखिए, फिर देखिए जो मजा आएगा सो अलग ही आएगा।